स्टेडियम देखने के बाद हम लोग उदयपुर का वैक्स म्यूजियम देखने के लिए पहुंचे। शीशा कितने लग गया रास्ता किधर इधर रास्ता है पता ना सारे घर पे पता ना किधर जाना भाई मैं किधर आ गया हां हर जगह देख दे भाई किधर आ गए सानू कटू कौन कौन कटूगा फिर उ आ गए और इधर ही आ गए फिर आ जाओ आ जाओ फिर उ इधर आ जाओ तो इधर बस कोई रहता नहीं क्या पीछे हेलियों की बाड़ी देखने के लिए यह भव्य बगीचा महाराज संग्राम सिंह ने बनाया था। यह बगीचा राज परिवार की खुशियों के लिए बनाया गया था। बगीचा बहुत ही सुंदर था और इसका रख रखाव भी बढ़िया तरीके से किया गया था। अंदर बगीचा कई पार्ट में डिवाइड था, इनको अलग अलग नाम दिया गया था।
हम लोग काफी थक चुके थे और अब हमें भूख भी लग आई थी। लंच टाइम हो गया था तो हम अपना लंच करने के लिए उदयपुर के फेमस रेस्टोरेंट रजवाड़ा बाइट में पहुंचे। लंच करने के बाद हम लोग एक और सुंदर छोटा सा पार्क देखने के लिए पहुंचे। यह पार्क शहर के बीचों बीच गोल चौराहे पर बना हुआ था। हमने इस पार्क में थोड़ा समय बिताया। 4 बजे हमारी टिकट कला संगम का शो देखने की बुक थी। Thank you.
होते होते काफ़ी अंधेरा हो गया था। होटल जाने से पहले हम लोग एक मिठाई की दुकान पर रुके। हम राजस्थानी घेवर के दीवाने थे, तो जहाँ भी जाते थे खाने के लिए घेवर जरूर लेते थे। जहाँ से भी हमने घेवर पैक करवाया। हमारा ऑटो वाला हमें पिचोला लेक पर लेके आया। यह लेक शहर के बीचों बीच स्थित है। रात के समय लेक की सुंदरता अद्भुत थी। लेक के पास ही राजस्थानी गहनों की बहुत बड़ी मार्केट है। ऑटो वाले ने हमें वहां उतार दिया और हम लोग पैदल ही शॉपिंग करने के लिए चल पड़े। लेक पिचोला के पास ही एक प्राचीन महादेव का मंदिर है। शॉपिंग करते करते हमें एक जगह छोटी सी बर्फी की दुकान दिखाई दी। अंकल रोज शाम को थोड़ी बर्फी बनाकर लाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आस पास लोगों ने इनकी बर्फी की काफ़ी तारीफ की। हमने भी इनसे बर्फी लेकर टेस्ट की। बर्फी वाकई में ही बहुत स्वादिष्ट।